मतलब सीधा सीधा है कि ये गुंडा है और बीजेपी का गुंडा है, मोदी जी का गुंडा है, इसलिए लेकिन बीजेपी संस्कारी पार्टी बताई जाती है। आपको लग रहा है ये संस्कारी पार्टी? संस्कारी होती तो तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता, इन बेटियों की आवाज सुनी जाती। इन्होंने देश के लिए मेडल लाया है और आज इनके साथ मतलब देश को जुड़ना पड़ रहा है। आप देखिएगा 10 दिन 15 दिन बाद तो अरेस्टिंग हो जाएगी, मैं लिख के दे सकती हूँ, इसी भीड़ के दम पे अरेस्टिंग होगी उसकी। मैं उस पहलवान बहनों को धन्यवाद कहती हूँ कि अगर कोई बेटी हो तो शेरनी हो, पहलवान जैसे ये ऐसे आज इन आम लड़की भी इस तरह आवाज उठाएगी ना, फिर ऐसा होगा ही नहीं। क्या सरकार की क्या मजबूरी है कि अड़ती अड़ती जिसके ऊपर मुकदमे होने के बाद उसको बचाने का काम कराया जा रहा, इसमें इस देश में एक गरीब के ऊपर एक छोटी सी FIR होने के बाद उसको जेल से नहीं निकलने दिया जाता है, और जिस देश के आदमी के ऊपर 38-38 मुकदमे हो, गंभीर धाराओं मुकदमे हो, उस देश को उस आदमी को सरकार पूरी सरकार लगी हुई बचाने में क्या मजबूरी है सरकार की? सरकार FIR तो हो गई है ना सर, FIR होने से क्या होता, उसको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा? भाई पुलिस काम करेगी? भाई पुलिस कब काम करेगी ये बताओ, हमारे लोग जांच कर रहे हैं वो सर, कब तक जांच चलेगी सर ये बताइए? कोर्ट ने कराई सर, कोर्ट ने FIR करी, कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद उसके संज्ञान लेने के बाद जब उसके ऊपर FIR हो रही तो क्या जरूरत है? उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से केस है भाई, उन केसों में क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? क्या जरूरत है? सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार उसको बचाने में लगी पड़ी है? मोदी जी कहते हैं कि मैं देश को बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो बताओ बचाओ वाली बात है, तो इतनी बड़ी जिनने आपका मेडल लेके आए, देश का नाम गौरवंद किया, उन लोगों के साथ आप अन्याय पे तुले हुए हो। लोकतंत्र में जनता की जो लोकतंत्र में जनता बहुत भारी ताकत होती है, और आज इन बेटियों को उस ताकत को इकट्ठा करना पड़ रहा है, उन्हें कानून से और दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली की जो पुलिस है उससे कोई उम्मीद नहीं है न्याय की। मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे इस पूरे मामले में। चुप्पी कैसे तोड़ सकते हैं? अभी वो अपना मंथन कर रहे हैं कि मैं इस सांसद को छोड़ूं कि जनता के साथ दूं, और मंथन इतना टाइम दे रहा है उनका कि अभी उनको समझ ही नहीं आया क्या करना है। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं झांसी से बिलोंग करता हूं, ग्राम खरका के रहने वाला हूं। मैं देश के जो गौरव है, माता बहनें जो लड़कियों ने देश का नाम गौरव करा, इतने बड़े बड़े मेडल लेके आए और देश को गौरवान्वित करा, उन लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद ये बताइए, इतना बड़ा गुंडा जो देश का है जिसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बाद क्या सांसद है वो? अरे सांसद है तो क्या हुआ, सांसद थोड़ी बाहुबल के दम पे जीते हैं, कोई सांसद थोड़ी है, 6 बार सांसद बन चुके हैं सांसद, 6 बार गए लेकिन पूरा बाहुबल के जीते हैं, बाहुबल के बदौलत ही वो जीते हैं, वो कोई उनको जनता वोट नहीं देती, उनका बाहुबल के बदौलत जीत के आते हैं वो, देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले अपने खिलाड़ी है। बताइए जिस लड़की के ऊपर या जिस माता बहन के ऊपर इतना बड़ा कृत्य हो, क्या वो आवाज़ उठाने की हिम्मत रखती है? नहीं रखती है, लेकिन उनके हौसले को सलाम करिए, उनके हौसले को, कि जिनने इस आवाज़ को उठाया वो आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके विरोध में कोई आवाज़ देने वाला नहीं है, ना आवाज़ उठा सकता है, लेकिन इनकी तो इनके सम्मान को वो करेंगे कि इन लोगों ने उस आदमी के विरोध बोलने की हिम्मत जुटाई जिसके विरोध में कोई नहीं बोल पाता है। सर क्यों परिवार की एक लड़ाई है बताइए, इतने लोग सफर था, मैं जैसे झांसी से आया, एक बताओ जैसे जिसके साथ छेड़छाड़ होती है क्या उसके बाद हिम्मत होती है? समाज के भय से, समाज के डर से कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम जाके निकल के सामने आए। मैं बता रहा हूँ, कोई भी परिवार नहीं चाहता कि मेरी लड़की की इज्जत खराब हो जाए, मेरी समाज के सामने इज्जत खराब हो जाए, उनके तो हौसलों को सलाम करो कि वो लोग इतने बड़े इतने पीड़ा के बाद जब सर से ऊपर पानी चला जाता है, सर जब ही कोई निकल के आता है, जब तक सर के अंदर पानी रहता, गले से अंदर पानी रहता, जब तक डूबा रहता आदमी, कहता चलो चलने दो, लेकिन जब सर से ऊपर चला जाता है, उनने एक लड़की की आवाज नहीं उठी, लाखों लड़कियों को बचाने का काम करा है इन लोगों ने बहुत बड़ा हौसला दिखाया कि इससे लाखों लड़कियां बच जाएंगी। वो ये कह रहे हैं कि और भी खिलाड़ी हैं देश में, वो क्यों नहीं आ रहे समर्थन में इनके? सब खिलाड़ी समर्थन सर, मैं बताऊँ, मैं झांसी से हूँ, मैं झांसी तो मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहे खिलाड़ी, एक ड्राइवर हूँ, समझना, मेरे को बताइए, मेरे मान सम्मान के साथ, मेरी माता बहनों के मान सम्मान के साथ जो लड़ाई, जो मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा, कि हमारा फर्ज नहीं है कि मैं उनके साथ खड़ा हो सकूं, मेरी इस जज्बे की धिक्कार है कि इतने लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर देश को आजाद करा दिया और हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े ना हो सके तो मर जाने चाहिए हम तो कह रहे। इस देश में दो प्रकार के कानून चल रहे, एक चल रहा अमीरी का और एक चल रहा गरीबी का। अमीरी गरीबी का कैसे चल रहा, एक गरीब छोटी सी चोरी कर ले, टोंटी चोर ले तो उसको साले को जेल हो जाती है। इसकी बात कर रहे हो आप? अरे सर मैं किसी अकेले में पार्टी में आम जनता की बात कर रहा हूँ, और एक इतना बड़ा माफिया सबको दिख रहा है,
सबको देख रहा है इतना बाहुबल है इतना तो उसके साथ क्यों कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है सरकार? सरकार क्यों नहीं उसके ऊपर वो कर रही? भाई जे देश संविधान से चलेगा, जे देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, इस देश में संविधान लागू है और संविधान की देश से संविधान के बदौलत ही इस देश में सबको मान सम्मान इज्जत जो मिल रही ना वो संविधान की बदौलत मिल रही। तो मेरा कहने का मतलब इस देश को संविधान से चलने दीजिए, आप संविधान के खेल से छड़वाल मत करिए। जब आप इतने इतने बड़े बड़े लीडरों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो जो गली गुच्चे में जो लोग रह रहे, जो माता बहन रह रही उनके साथ अन्याय हो रहा, तो क्या उनके साथ बचाने वाला कोई है? नहीं है। जी जो गाड़ी पलटा देते हैं वो तो बुलडोजर चला देते हैं। तो सर बता दो चाहते हैं ये गोंडा से सांसद? सर बताता रहा हूँ, इनका इतिहास बड़ा खतरनाक है। इनके विरोध में कोई बोलने वाला नहीं है। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है इनके विरोध में बोल जाए। क्यों बोल जाए? हर आदमी के साथ ये प्रताड़ित करते हैं, हर आदमी को मरवा सकते हैं, इनके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। मैं सुशीला कटारिया और बास्केटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 17 बार मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है और आज मेरी उम्र 55 साल है। मैं आपको बता दूं कि ये जो महिलाओं ने आज आवाज उठाई है, ये इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है और ये हर एक जो इंडिया रिप्रेजेंट करता है, मुझे लगता है हर प्लेयर को इस सच्चाई का पता है। फोटो जो निकल के आ रहे हैं सोशल मीडिया में, ये तो खुद उनकी कमी बता रहे हैं खिलाड़ियों की। आपको मैं बता तो रही हूँ कि कोई हम उस देश की संस्कृति से बात कर रहे हैं जहाँ पे बेटियाँ गांव की सांझी हुआ करती थी और इस प्रकार की जो अगर वारदात हो जाती थी तो पिता खुद छुपाता था अपनी बेटियों की कि हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी, शादी नहीं हो पाएगी। अगर इन महिलाओं ने इतनी हिम्मत करके आज आवाज उठाई है तो पूरे देश को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि जहाँ पॉक्सो एक्ट का मतलब है कि सिर्फ शिकायत के 24 घंटे बाद अरेस्टिंग हो जानी चाहिए, परंतु इस शिकायत के लिए पहले कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट के बाद यहाँ पे इनकी शिकायत लिखी जाएगी। यही वजह है कि सरकार को घसीटा जा रहा है। 7 बार का सांसद है ये और विधायक है। आंदोलन मजबूत नहीं हो रहा है जैसे किसान आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन साल भर में मजबूत हुआ था, यहाँ पे अभी धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपको लगता है ये मजबूत नहीं है। अभी तो न जाने कितनी बेटियाँ, अभी आपने देखा कि यहाँ एक महिला आके अभी रो रही थी कि मेरे साथ भी इसी प्रकार का दुष्व्यवहार होता है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इनके साथ भी हो रहा है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा। भीड़ कहाँ है? भीड़ अपने अपने जगह पे, आप नहीं, और ये आपको भीड़ कम दिखती है। आपको पता है मोदी? मेरा नाम है पूनम किरण चौरसिया। कहाँ से आई हैं आप? मैं झारखंड से आई, महिला कार्य प्रदेश सचिव हूँ। मतलब झारखंड से आई हैं? जी बिल्कुल। बेटियों को बचाने के लिए? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है, मतलब मिलेगा न्याय बेटियों को? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक तरफ मोदी जी झुंझुला फिरते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा ये जिस अत्याचार महिला को हो रहा है, जानते हैं ये सिर्फ बीजेपी वाले के द्वारा होता है। आज जो हो रहा है, अगर आज किसी बीजेपी वाले की बेटी के साथ होता ना तो उन्होंने किसने कत्ल करवा देते हैं, समझे? लेकिन आज ये एक पहलवान बहन, मैंने इनका हिम्मत का दाद देती हूँ। बीजेपी की एक भी सांसद विधायक ने समर्थन नहीं किया है बेटियों का, यहाँ पर सबसे ज्यादा है दुनिया देश में। मैं बता रही हूँ ना, आज किसी महिलाओं को सामने आने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि उनके साथ शोषण हुआ है। हमारे समाज में हमेशा महिलाओं को दबाया जा रहा है, लेकिन आज महिलाओं दबना नहीं चाहती है। अगर चोर कहे कोर्ट में कि मैंने चोरी ना किया हो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि चोर कभी कहते मैं चोरी किया, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा कहते मैं भैया निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। चोर नहीं कहते चोरी। चुप्पी नहीं तोड़ रहे मामले में, इसलिए तोड़ रहे ना, क्योंकि उनके उनके है ना बीजेपी वाले के पैदे है ना। आम आदमी को होते हैं तो गला मरोड़ लेते हैं, दाब देते हैं। भेदभाव है मतलब कानून कानून में भेदभाव को जल्दी अंदर कर देते हैं। एक मिनट, इसमें भी आपको क्या डाउट लग रहा है? क्योंकि हमेशा हो रहा है, गरीबी नहीं, हमेशा लड़की के साथ जिस तरह हो रहा है ना अत्याचार, वो सिर्फ देखते रहते हैं। अगर आगे सबका साथ सबका विकास, सिर्फ दिखावा है, मोदी जी का दिखावा है। क्या चीज कहता, हाथी के दांत खाने का कुछ और दिखाने का कुछ, बस यही बात हो रहा है इनके साथ। वोट तो बहुत मिल रहा है देश में। अरे भाई बात, एक मिनट, मैं बता रही इसके रीजन पता क्या? मीडिया जो ना मोदी जी के गोद में है, उन्होंने आए दिन दिखाएंगे कि यह चोर है चोर है चोर है, उन्होंने आए दिन गलत दिखा रहे हैं। ये अगर सच दिखाएगा काम नहीं कर रहा मीडिया, फिर भाई बात काम करते हैं, लेकिन ज्यादा मोदी जी के इशारे पे करते हैं। अगर आप देश का कैसे जीतोगे फिर आप इससे? एक मिनट, आप देश का 14 स्तंभ है, अगर आप सामने आओ हर बेटियों को इंसाफ मिलेगा, हर बेटियों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? दाब या जाता है। अरे महाराज, अगर मेरे साहब मुझे तो मैं पकड़ गला भी मार बैठती उसका, उस लड़के को। मैं अकेला काफी हूँ, मैं ऐसे महिलाओं के लिए काम भी करती हूँ। कितने फोक्स, 24 घंटा काफी है,
प्रशासन गाड़ी घेर लेती है 24 दिन बहुत हो गया। आज अगर मैं झारखंड में होता ना तो मैं काला पकड़ मैंने कितने को भीतर की हूँ, कितने को की हूँ, क्योंकि इंसाफ चाहिए मुझे। महिलाओं पर किसने दाग लगाया है, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अरे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये चलता, ये मत कहो कम, अरे 1 से 11 होते हैं गांधी कहते एक बार चलो लेकिन ये जो सोच रहे आपने की भीड़, ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ भीड़ होती है तो इंसाफ मिलता है। इंसाफ दिलाने के तो 5 भी काफ़ी होते हैं, ये तो आप जान लीजिए।